क्या करो, तेरे को मसाला चाहिए? नहीं मसाला चाहिए। ये बहुत मजे का गलत है, गलत है। ए वापिस बोल, वापिस बोल। ए ए टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदाना ने पिछले महीने बॉयफ्रेंड करण शर्मा से शादी की। उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। वहीं शादी के एक महीने बाद दोनों एक कैफे के बाहर स्पॉट किए गए। लुक की बात करें तो सुरभि चंदाना ने पिंक कलर की पैंट और ब्लेजर कैरी किया था, हाथों में सफेद चूड़ा पहना। इस दौरान सुरभि और करण पेप्स के साथ मस्ती करते दिखे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सुरभि चंदाना ने उन्हें शटअप तक कह दिया। इतना ही नहीं, सुरभि ने तो मीडिया से कहा कि तुम्हें मसाला चाहिए। क्या शादी कल, एक महीना हो जाएगा, मुबारक। मैडम जी करो करो, क्या करो, तेरे को मसाला चाहिए? नहीं नहीं, अब लेंगे देखो मैम, वो मिर्ची भी है, थोड़ा टान हुई है, थोला तो नहीं है, थोला टान हो गई। गलत बात, ये गलत बात है, ये बहुत मजे की बात है, गलत है, गलत है। ए वापिस बोल, वापिस बोल। ए ए बोल रे मैडम जी, यहां देखो, अब थोड़ा ही देखिए इधर। जवाब ये है कि अब मेरी नई नई शादी हुई है। हाँ तो थोड़ा थोड़ा शादी वाला फोटो, जल्दी घर जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा आपको? टाइटैनिक को मेरा एक महीना पूरा हो जाएगा, रिंग दिखाई हुई है बनान नहीं डलाना, चलो शट अप। ए फिल्मी भाई, गलत बात नहीं करते, क्या कह रहा है यार। वहीं कुछ यूजर्स ने सुरभि को ट्रोल करते हुए कहा कि ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही। एक ने कमेंट कर लिखा, शादी के बाद एटीट्यूड आ गया इसमें। अन्य ने कहा, क्या बोला ऐसा कि भड़क गई। एक यूजर ने कहा, ओवर एक्टिंग की दुकान। इसके साथ ही सुरभि और करण ने बताया कि उनकी शादी दिन में होनी थी लेकिन बारिश के कारण रात को हुई। शाम के 5 बजे वरमाला का टाइम था, तीन चार बजे तक तो मंडप ही रेडी नहीं था, तो आप सोच ही सकते हो। तो जो शाम की और दिन की शादी होने वाली थी वो रात को 9 बजे हुई है। तो मैं दूल्हे के कॉस्ट्यूम में मंडप सेट कर रहा था क्योंकि उस दिन बारिश हो गई थी। तो सुरभि ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली रसोई में सूजी का हलवा बनाया था। उन्होंने वो पहली रसोई थी इनकी, लेकिन वो घी में बनाई थी, तो मैं घी एलर्जिक हूँ तो मैं खा नहीं पाया, बट फैमिली वालों ने सबने बहुत एंजॉय किया। इनकी फैमिली थी, मेरी फैमिली थी, अलग टाइप की रसोई थी, अलग अलग टाइप की रसोई की। इनके मम्मी पापा आए थे, मेरे मम्मी पापा आए थे हमारे घर में, हमने कहा आप हमारे घर आओ, हम आपको खिलाते हैं। और मेरी दोनों मम्मियाँ, मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी मॉम, पीछे खड़े होके अभी सूजी डाल, अभी पानी डाल, तो मैंने कहा आप ही बना दो, तो बोलते दे बना देते। मैंने कहा यार मेरी रसोई है थोड़ी, मेरी इज्जत मुझे अपने आप रखने दो। तो वेरी फनी, बट एवरीबडी लव्ड। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।